यूपी के शाहजहांपुर में संवेदनहीनता की सारी हदों को पार करने का मामला सामने आया है। यहाँ एम्बुलेंस चालक को एक परिवार ने 500 रुपए नहीं दिए तो वो जच्चा और बच्चा दोनों को ही रोड पर छोड़कर भाग गया। अंदर के ले आए, अब दूसरी बार जब डिलीवरी हुई गई ले आए यहाँ कहीं तो यहाँ इतकुंती छाड़ी गए, रुपया मांगे तो 500 मांगे 100 दे ले गए तो तिनके मारे है नहीं छाड़ दे। पानी बसन लगो बताओ मारे मरीज मरो यहाँ सीमा घाइयाँ डारी हैं रास्ता में स्कूल में यहाँ से बिटिया आएंगी का ना हो तो उनने अपने यहाँ कमरा में यहाँ लिटाई लो तो ना तो बताओ हम तो यहाँ भेज जाते मरीज मत तो रह जाते हो सर्दी में। और कुछ और जो भी हुआ हो बताओ मेरे पास कोई साधन ना है और रास्ता ना है आगे पानी भरो तो हमको आप गांव किनारे नहीं छाड़ो जाए गांव किनारे छाड़ जाते हैं उतर जाते हैं कहीं जैसे उतर पहुँचते कहीं से हमको यहाँ स्कूल के पास छाड़ दो बताओ बरसात हो रही अब बताओ मरीज मेरा भेज रहा उन्होंने जबरदस्ती भी की 500 रुपये लाओ 500 रुपये मांगे होंगे डॉक्टर साहब। यहाँ पे एक अभी एक जच्चा बच्चा का यहाँ जन्म हुआ था सुबह 9 बजे धर्मपुर प्रजा मामला वो रास्ते में छोड़ आया एम्बुलेंस वाला तो उसमें क्या कहना है आपका सुनने जाएगा ना तो वही उनके एम टी से उनसे बात करो जो शाहजहाँपुर के अधिकारी हैं शाहजहाँपुर हैं या लखनऊ से उनको वही सब तत्काल मिलती है। अच्छा तो वहीं से मरीज लेके जाते हैं यहाँ से तो यहाँ से आपसे कोई लेना देना नहीं एम्बुलेंस का तो ये फिर मतलब जो भी जच्चा बच्चा जाते हैं वो आते हैं सीधे वहीं से डिलीवरी होने के बाद जो जाएंगे फिर उनको भी आईडी लेते हैं ये लोग बताते हैं कि मतलब वहाँ से लखनऊ से ही आईडी लेते हैं मरीज जो हैं ये कहते हैं कि मरीज छोड़ना है तो उनको आईडी मिलती है कुल मिला के आपसे मतलब नहीं। बुंदेलखंड ट्रक एसोसिएशन बांदा द्वारा आज जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन भेजा गया। जिले में चल रहे ओवरलोड वाहनों को लेकर बुंदेलखंड ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा है कि ओवरलोड पर प्रशासन लगाम लगाए नहीं तो ट्रक एसोसिएशन इसका विरोध करेगा। पीलीभीत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं वहीं 7 बदमाशों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बांदा जिले का संवेदनशील व्यस्ततम इलाका कचहरी परिसर में आज उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब सत्र न्यायालय के सामने ओवरब्रिज के नीचे फुटपाथ पर रखी चाय और नाश्ते की दुकान पर प्रयोग में लाया जा रहा घरेलू सिलेंडर की लीकेज की वजह से अचानक आग लग गई जिसमें वही के दुकानदारों द्वारा सिलेंडर को किनारे कर फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने सिलेंडर की गैस को पूर्ण रूप से निकाल कर एक बड़ी घटना होने से बचा लिया। सूचना मिली कि कचहरी के सामने गैस सिलेंडर में आग लगी है जैसे ही सूचना मिली तत्काल वहाँ से रवाना हुए और आकर के देखा कि इंडियन गैस वो लीकेज कर रहा था आग बुझ गई थी और उसको खड़ा करके जो है पूरी गैस निकाल करके जो है सेफ दे दिया गया कोई जनहानि नहीं हुई। वैसे अगर देखा जाए तो ये जिला सत्र न्यायालय का गेट है यहाँ से VIP जज और कई लोग जाते हैं तो क्या यहाँ खतरा हमेशा इस तरह का बना रहता है? इसके बारे में जो है कार्रवाई की जाएगी अगर ये सिलेंडर जो है घरेलू लीक कर रहा है तो इसके बारे में जो है कार्रवाई की जाएगी। अगर ये सिलेंडर फटता तो कितने लोगों की हानि होती? उसमें तो काफ़ी क्षति हो जाती सिलेंडर वगैरह जो है हानिकारक होती ही है। तो ये बताइए कमर्शियल की जगह में घरेलू लोग ये उपयोग कर रहे हैं ये गलत यूज कर रहे हैं हम लोग जो है यही सब जो है निरीक्षण कर कर की कमर्शियल ही यूज करें और ये चोरी में जो है घरेलू पूरे जिले में ये आलम है कि जो नुक्कड़ और जो है सड़कों में दुकानें चल रही हैं सिर्फ घरेलू सिलेंडर का उपयोग हो रहा है उनसे इसके बारे में छानबीन की जा रही है कोशिश यही कर रहे हैं कि कमर्शियल ही जो है यूज करें और घरेलू सिलेंडर कतई न जलाएं।